नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित। इस वीडियो में हम लोग वायुमंडल की संरचना के बारे में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहली जो हमारी अर्थ है हमारी, और जो 12 किलोमीटर की, अर्थ से 12 किलोमीटर की जो रेंज है उसको ट्रोपोस्फेयर शोभ मंडल कहते हैं। पहले हम किलोमीटर के हिसाब से, ऊंचाई के हिसाब से देखेंगे, उसके बाद अलग अलग इसके बारे में पढ़ेंगे, किसकी खासियत है, किसमें ग्रीन हाउस इफेक्ट है, किसमें ओजोन है, ये सब बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। पहले सबसे पहले ऊंचाई के आधार पर इसको हम वर्गीकृत करते हैं। चलिए पहले ट्रोपोस्फेयर देखते हैं। ट्रोपोस्फेयर यानी कि शोभ मंडल, इसकी पृथ्वी से ऊंचाई, अर्थ से ऊंचाई 12 किलोमीटर की रहती है। उसके बाद जो 50 किलोमीटर की लेयर रहती है, रेंज रहती है, वो स्ट्रेटोस्फेयर की रहती है, समताप मंडल की। उसके बाद जो 80 किलोमीटर की रेंज रहती है, 80 किलोमीटर का जो दायरा रहता है, वो मेसोस्फेयर का, मध्य मंडल का रहता है। 80 से 640 किलोमीटर थर्मोस्फेयर ताप मंडल रहती है। 640 से 2000 किलोमीटर एक्सोस्फेयर ग्रह मंडल रहती है। 2000 से 80 किलोमीटर मैग्नेटोस्फेयर चुंबकीय मंडल रहता है। अब हम एक एक करके इसके बारे में पढ़ेंगे। पहले देखते हैं स्ट्रेटोस्फेयर के बारे में। पहले पढ़ते हैं ट्रोपोस्फेयर, एक एक करके देखेंगे। इसकी खासियत बताते जाऊंगा, इसको नोट करती जाएगा, करते रहना। पहला इसमें पॉइंट है ग्रीन हाउस इफेक्ट, जो मुख्य पॉइंट है ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब ये होता क्या है ग्रीन हाउस इफेक्ट? जैसे पृथ्वी गर्म होने लगती है, सूरज की रोशनी पड़ती है, पहले तो देख लीजिए इसमें कौन कौन सी, ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए कौन कौन सी गैसें जिम्मेदार हैं। CO2, CH4, ये मुख्यतः दो गैसें ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए जिम्मेदार हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट अब होता क्या है? जैसे पृथ्वी की रोशनी, सूरज की रोशनी पृथ्वी पर पड़ती है, तो पृथ्वी का तापमान बढ़ने लगता है। इन्हीं गैसों की वजह से पृथ्वी हमारी गर्म होने लगती है। पहले नॉर्मल ये गैसें रहती थी हमारे वातावरण में, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट का ज्यादा प्रभाव, ग्लोबल वार्मिंग ज्यादा नहीं हुई थी। अब लेकिन बढ़ती आबादी के साथ CO2 और CH4 बहुत ज्यादा हो गई हैं, इसलिए पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ते जा रहा है, यही ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। चलिए दूसरा टॉपिक है, लेकिन ट्रोपोस्फेयर में ही ग्रीन हाउस इफेक्ट देखा जाता है। अगर CO2 और CH4 ज्यादा बढ़ेगी तो ग्रीन हाउस इफेक्ट हमारा उतना ही ज्यादा बढ़ेगा, और उतना ही पृथ्वी हमारी गर्म होगी। दूसरा पॉइंट है बादल मौसमी परिवर्तन। मौसमी परिवर्तन, इसी में हमारा मौसमी परिवर्तन होता है। जैसे बादल का गरजना, पवने चलना, वर्षा का होना, ये सब इसी में होता है। तीसरा पॉइंट है ये देखिए, कहीं कहीं पे इसकी रेंज दूसरी रहेगी। ट्रोपोस्फेयर की रेंज 8 किलोमीटर से ये रहती है पोल्स पर, क्योंकि पोल्स पर पृथ्वी की रोशनी ज्यादा नहीं पड़ती है, इसलिए यहाँ पे पोल्स पर जो ऊंचाई रहती है वो 8 किलोमीटर रहती है, और ऊंचाई रहती है 18 किलोमीटर, कहीं पे दिखाई जाती है किताब में, वो इसी वजह से रहती है कि ये विषुवत रेखा, इक्वेटर पे सूरज की रोशनी पड़ती है, तो वहां पर तापमान ज्यादा बढ़ जाता है, और इसी वजह से इसकी ऊंचाई 18 किलोमीटर, 8 से 18 किलोमीटर बढ़ जाती है। लेकिन हमने इसका एवरेज लिया हुआ है कि लगभग 12 किलोमीटर की इसकी रेंज रहती है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा आप देखते हैं स्ट्रेटोस्फेयर के बारे में।
स्ट्रेटोस्फेयर में दूसरा है स्ट्रेटोस्फेयर, हिंदी में समताप मंडल, समताप मंडल। अब इसमें क्या क्या होता है, इसमें तो पहले पहला पॉइंट जो मुख्यतः है वो है ओजोन लेयर का कंसेप्ट। ओजोन ओजोन लेयर इसी में रहती है। अब ये समझ लीजिए ओजोन ओजोन लेयर क्या होती है, ये 50 किलोमीटर की रेंज रहती है। ओजोन लेयर मुख्यतः 20 से 35 किलोमीटर की रेंज में रहती है। ओजोन लेयर ओजोन की परत जिसको कहते हैं हम लोग, ओजोन की परत, ये क्या करती है, ओजोन का काम क्या रहता है, जो सूरज से अल्ट्रावायलेट रेस आती हैं उनको परावर्तित कर देती है, यानी कि रिफ्लेक्ट कर देती है और हमारे तक जो खतरनाक अल्ट्रावायलेट रेस हैं वो हमारे तक नहीं पहुंच पाती हैं। अभी इसके लिए कौन मुख्यतः जिम्मेदार है, इसके लिए मुख्यतः जिम्मेदार है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन मुख्यतः हमारे एसी और रेफ्रिजरेटर में होता है। इसीलिए अब लगभग जो कूलर और एसी आते हैं फ्रिज, वो इसको कंपनी अब इसको इसमें इसका इस्तेमाल नहीं करती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन का, इसी वजह से क्योंकि ये ओजोन क्लियर हमारी उसमें छिद्र हो रहा था, होल हो रहा था, अब ये लेकिन रिकवरी हो रही है ओजोन लेयर। इसका मुख्य काम है अल्ट्रावायलेट रेस को रिफ्लेक्ट करके पृथ्वी पर ये ओजोन लेयर अल्ट्रावायलेट रेस को पहुंचने नहीं देती है। और दूसरा पॉइंट इसमें जरूरी है जो है एरोप्लेन इसी में चलते हैं, एरोप्लेन इसी में चलते हैं। जैसे कई मूवी में आपने देखा होगा कि जो जहाज उड़ रहा होता है इसे, और नीचे बादल रहते हैं, जहाज इसे उड़ता रहता है और नीचे बादल रहते हैं, वो इसी मंडल में उड़ते हैं, समताप मंडल में। अब तीसरा देखते हैं, इसका रेंज रहता है 50 किलोमीटर तक, लेकिन जो ओजोन की लेयर रहती है वो 20 से 35 किलोमीटर मुख्यतः पाई जाती है। अब तीसरा देखते हैं, तीसरा है हमारा मेसोस्फीयर, मध्यमंडल। अब मध्यमंडल के बारे में जानते हैं, मध्यमंडल की रेंज पहले देखते हैं। मेसोस्फीयर मध्यमंडल में रेंज रहती है 80 किलोमीटर का, जो दायरा रहता है वो मेसोस्फीयर का रहता है। इसका मुख्य काम क्या रहता है, इसमें क्या होता है, इसमें जो उल्कापिंड, एस्ट्रॉइड का नाम सुना होगा, उल्कापिंड को नष्ट करता है। जैसे अभी हाल ही में न्यूज आ रही थी कि 29 अप्रैल को एक पत्थर पृथ्वी से टकराएगा, वो एस्ट्रॉइड ही था, एक बड़ा एस्ट्रॉइड था वो पृथ्वी से टकराने, यही जो लेयर है मेसोस्फीयर की, वही हमारे एस्ट्रॉइड को उल्कापिंड को नष्ट करता है और पृथ्वी को क्षति होने से बचाता है। चौथा देखिए, अभी हम इसको थोड़ी देर में देखने के बाद इसको तापमान के आधारित पर भी देखेंगे, किसमें कितना तापमान रहता है। प्रश्न पूछा जाता है कि तापमान किसमें कितना कम रहता है, किसमें सबसे ज्यादा रहता है, लेकिन पहले चौथा देखते हैं जो कि है थर्मोस्फेयर को कहते हैं ताप मंडल, इसका और भी नाम है एक आयन मंडल या आयनोस्फेयर, आयन मंडल भी कहते हैं इसी को। इसका मुख्य काम क्या है, इसमें सैटेलाइट रहती हैं, इसमें पोलर सैटेलाइट वो हैं, जैसे मुख्यतः उसमें आती हैं कम्युनिकेशन सैटेलाइट, संचार करने के लिए जो
सैटेलाइट इस्तेमाल होती हैं वो इसी ताप इसी तापमंडल में ही पाई जाती हैं। और इसका मुख्य काम रहता है कि ये और भी रेडियो एक्टिव तरंगों को परावर्तित करता है। ये इसमें इसी तापमंडल में जो है सूर्य और पृथ्वी का घर्षण बल लगना चालू हो जाता है। अब इसको आयनोस्फेयर इसलिए आयनमंडल या आयनोस्फेयर इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे आयन की उपस्थिति चालू हो जाती है और ये जो है रेडियो एक्टिव तरंगों को परावर्तित करके संचार में सहायता करता है। और चौथा पांचवा देखते हैं, पांचवा है हमारा ब्रह्मंडल एग्जोस्फेयर ब्रह्मंडल। अब इसमें क्या रहता है मुख्यतः, इसमें उसमें पोलर सैटेलाइट रहती हैं, इसमें जियो स्टेशनरी रहती हैं, जो लंबी रेंज की सैटेलाइट रहती हैं, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट रहती हैं इसमें, जिनकी रेंज 2000 तक रहती है, उससे ऊपर की भी रहती है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट रहती हैं। अब आगे छठवां हम लोग पढ़ते हैं, जो लास्ट है हमारा, वो कहीं कवर किया जाता है, कहीं पर नहीं दिखाया जाता, क्योंकि वो मुख्यतः हमारे लिए उपयोगी नहीं है, लेकिन हम लोग देख लेते हैं। छठवां है मैग्नेटोस्फेयर को चुंबकीय मंडल भी कहते हैं, चुंबकीय मंडल की रेंज पहले रहती है 2000 से 80 किलोमीटर, लगभग सभी सैटेलाइट इसी में रहती हैं, ब्रह्मंडल के ऊपर रहती हैं। इसमें दूसरी जो मेन बात है कि ग्रेविटेशनल फोर्स वो कम होने लगता है। अब ये हल्का सा रिव्यू हो गया, अब इसको हम देखते हैं तापमान के आधार पर कि किसमें कितना तापमान रहता है। पहला देखते हैं, पहला ये हो गया है, अब हम इसको देखते हैं तापमान के आधार पर किसमें कितना तापमान रहता है हमारा। अब यहाँ पे एक लेयर बन जाती है, इसको हम लोग कहते हैं ट्रोपोपोज कहते हैं, यानी कि ट्रोपोपोज उसको कहते हैं जो ट्रोपोस्फेयर का ऊपर का एरिया और स्ट्रेटोस्फेयर के नीचे का एरिया, जो बीच की परत रहती है उसको ट्रोपोपोज कहते हैं। इस पर तापमान जो रहता है ध्यान दीजिएगा, किताब में यह नहीं बताया जाएगा कि या कहीं भी और नहीं बताया जाएगा कि कहीं पर बताया जाता है कि जैसे ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ हमारा तापमान गिरने लगता है, लेकिन यह सिर्फ कंडीशन ट्रोपोस्फेयर में अप्लाई होती है कि ऊंचाई बढ़ेगी तो तापमान हमारा बढ़ने लगता है। ये तापमान की दर रहती है 6 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर, यानी कि 1 किलोमीटर हम ऊपर जाएंगे तो 6 डिग्री तापमान ऊपर कम होने लगेगा। अब ये जो बीच का एरिया रहता है इसको ट्रोपोपोज कहते हैं। अब ये दूसरा देखिए, इसमें भी रहता है, इसको हम लोग कहते हैं स्ट्रेटोपोज। अब यहाँ का जो तापमान हो जाता है लास्ट में वो हो जाता है, इस लेयर का तापमान जो लास्ट में हो जाता है इस वाली लेयर का, ये 0 डिग्री सेल्सियस से माइनस में चला जाता है, -65 डिग्री सेल्सियस तक। अब ट्रोपोपॉज का तापमान रहता है 0 हो जाता है। अब 0 क्यों हो जाता है, 0 डिग्री सेल्सियस
क्योंकि जो ओजोन लेयर की वजह से हमारी पृथ्वी गर्म हो जाती है, इसलिए -65 को 0 डिग्री में परिवर्तित हो जाता है। सूरज की रोशनी की वजह से यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस हो जाता है इस लेयर के एंड में तापमान जो है, इसी को हम लोग स्ट्रेटोपॉज कहते हैं। अब इसमें देखिए क्या होता है, अब लगातार फिर यानी कि पहले वाले में ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान कम हुआ और इसमें ओजोन लेयर हुआ, ओजोन लेयर की उपस्थिति के कारण इसका तापमान फिर बढ़ गया, इसका तापमान कम हुआ था। अब इस वाले में कुछ भी नहीं है, इसका मतलब इसमें तापमान फिर से कम होगा। अब मेजोस्फेयर में सबसे इसमें भी रहता है, एक लेयर रहती है थर्मोस्फेयर और मेजोस्फेयर के बीच में एक लेयर रहती है, उसको हम लोग कहते हैं मेजोपॉज कहते हैं। मेजोपॉज में तापमान सबसे कम रहता है। ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन में पूछा जाता है कि सबसे तापमान किस कौन सी वाली लेयर में रहता है, या कौन से मंडल में रहता है। तो मेजोस्फेयर में सबसे कम तापमान रहता है, जो कि रहता है -100 डिग्री सेल्सियस। -100 डिग्री सेल्सियस मेजोपॉज में रहता है। उसके बाद तापमान लगातार, अब इसमें आयन रहते हैं इसलिए लगातार तापमान बढ़ता रहता है थर्मोस्फेयर में। उसके बाद थर्मोस्फेयर से आगे जो है एक्सोस्फेयर, उसमें भी तापमान वृद्धि होती है तापमान में। उसके बाद जो चुंबकीय मंडल में रहता है उसमें भी लगातार तापमान बढ़ता रहता है। लगभग 1700 डिग्री सेल्सियस तक ये तापमान बढ़ता रहता है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।